सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। उस बेटे को तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए जिस बेटे की माँ आज्ञा ना दे। माँ बाप घर में बूढ़े बैठे हैं, बुजुर्ग माँ घर में बैठी है, उसे तो तुमने तीर्थ कराया नहीं और खुद तीर्थ यात्रा पर निकल गए, यह ठीक नहीं। इसलिए अपनी माँ को कराने ले जाओ तो तुम्हें तीर्थ करने का भी पुण्य मिलेगा और माँ को तीर्थ यात्रा कराने का पुण्य भी मिलेगा, दो दो पुण्य मिल जाएंगे। इसलिए अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करानी चाहिए, अपने माता पिता को भागवत सुनवानी चाहिए, अपने माँ बाप की पुण्य, उनके नाम के पुण्य उनके हाथों से, अभी उनके नाम से हाथ से दान पुण्य कराना चाहिए। जब माँ बाप मर जाते हैं ना तो बेटा क्या करता है, मरे हुए बाप का हाथ लगा लगा के अन्नदान करता है। हमारे भारत की परंपरा है, कोई आदमी मर जाए तो मरे हुए आदमी के नाम उसका हाथ, मरा हुआ आदमी का हाथ लगवा के अन्नदान करते। जिंदा था तब नहीं कराया, मर गया तो करा रहा है। मतलब कैसी मानसिकता। तुम अभी सब चीजें अपने आप को अपडेट कर रही है पर तुमने अपने आप को अपडेट नहीं किया। हम छोटे थे तब हमारे गांव में एक सज्जन मर गए। अच्छा वो मरे, हम उन्हीं के यहां बच्चों के संग खेल रहे थे और वो मर गए। तो तुरंत उनके बच्चों ने हमें 3-4 किलो गेहूं दे दिया, बोले जाओ घर ले जाओ। हमने कहा गेहूं किस बात का, बोले हमारे पिताजी मर गए हैं, जाओ घर ले जाओ ये गेहूं। 4-5 किलो गेहूं दे दिया उन्होंने। गांव में कूड़ा चलता, कूड़े एक कूड़े 5 किलो, मतलब मरे आदमी के स्पर्श करा करके लोग दान करते हैं। वह दान भी उत्तम है, वह दान मिथ्या नहीं है, पर मेरा मानना यह है कि अपने हाथ से ये सब पहले कर लो। बच्चे जो करेंगे वो अच्छा है, अन्न दान कर लो, अन्न दान कुछ करो ना करो, अन्न दान श्रेष्ठ दान। क्योंकि हम सोना चांदी हीरा मोती सबके बिना तो रह सकते हैं पर अन्न के बिना नहीं रह सकते, इसलिए अन्न जरूरी है। इसलिए अन्न दान की बड़ी महिमा, इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि आप जरूर अन्न दान किया करिए ताकि यहां संत भोजन प्रसादी करते रहें। नारद जी कहते हैं मेरी माँ ने मुझे रोक लिया, मैं माँ की सेवा में लगा एक दिन। अच्छा नारद जी संत सेवा भी करते हैं और नारद जी की माँ थी तो माँ की सेवा भी करते हैं। मतलब धर्म यही है कि आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ की लगभग सभी जिम्मेदारी पूरी हो। आजकल आदमी केवल पैसे कमाने की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, कैसे भी पैसे कमाओ कैसे भी। आप लोगों की ना शांति चली गई है, पता नहीं शांति है ही नहीं। शांति क्यों नहीं है, क्योंकि आप केवल कमा रहे हैं। आपके घर में पैसा आ रहा है, आने का रास्ता तो है, आपके घर से पैसे का सही जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए अशांति है। यदि आप भी अपने इन हाथों से सेवा करने लग जाएं, परोपकार करने लग जाएं, 100 रुपए में से 10 रुपए पुण्य के लिए निकालने लग जाएं तो आपको भी शांति मिल जाएगी। पर शांति उनको लगता है पैसे, आजकल का आदमी शराब में पैसे खर्च कर देता है, महंगी महंगी गाड़ियों में, महंगे महंगे कपड़ों में पैसे खर्च करना लोगों को अच्छा लगता है। आज लोग महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, आज लोग महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं। अच्छा है, भगवान करे आप और महंगे कपड़े पहने और महंगी गाड़ियों में चलें, लेकिन ये सब शांति तब मिलेगी। महंगे कपड़ों से शांति नहीं मिलती मेरी माँ, महंगी गाड़ियों से, महंगे बंगले में रहने से शांति नहीं है। किसी भूखे को जब आप पेट भर भोजन कराते हैं ना, उसकी भूख जब मिटती है उसमें जो शांति हमें मिलती है वह शांति करोड़ों कमाने में नहीं मिलती। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। लोग यहाँ आते हैं, अन्य क्षेत्र अपने हाथ से बांटते हैं और बांटने के बाद हमसे कहते हैं महाराज जी हमें बहुत शांति मिली,
बहुत अच्छा लगा, किसी को हमने रोटी दी अपने हाथ से, किसी को हमने खिलाया अपने हाथ से, परोसा, जरूरतमंदों को दिया, देने में शांति है। बस ये समझो, देने में शांति। लेकिन हम लोगों की आदत लेने की तो हो गई है, देने की नहीं है। इसलिए हमें देना सीखना चाहिए। एक गांव से एक महात्मा जी जा रहे थे, एक घर में पहुंच गए, भिक्षाम देही मैया भिक्षा दो। तो वो मैया अंदर से निकली और बोली, अरे बाबा कमा के खा नहीं सकता, आ गए भीख मांगने, भगा दिया। मैया अंदर चली गई, वहां एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी आंगन में, तो महात्मा जी ने उस लड़की से कहा, अरे बेटी जरा तेरे आंगन की धूल उठाकर मुझे दे दे। तो किसी ने कहा, महात्मा जी आप इस आंगन की धूल का क्या करोगे? महात्मा जी ने कहा, इसकी माँ के अंदर तो देने का संस्कार नहीं है, आज ये धूल देगी मुझे उठाकर तो कल किसी भूखे को रोटी जरूर देगी। कम से कम देने की आदत तो बनेगी, देने की आदत भी तो होनी चाहिए ना। आज ये धूल देगी तो कल रोटी भी देगी, धूल नहीं देगी। इसलिए बच्चों के हाथ से दिलवाया करो, कुछ कुछ आदत बनेगी देने की। जब हम देते हैं तो विधाता भी फिर अपने दोनों हाथ उठा उठा कर हमें देता, जब हम देंगे तो ईश्वर हमें देंगे, हम देना बंद तो ईश्वर भी बोले तू तो देते ही नहीं है, तुझे क्या देंगे हम।